फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आपको आज हम फिर से दोबारा ले आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक लाखा तोप है जो बहुत फेमस है। तो आपको बताते हैं आज उसके बारे में। और आप ये देख रहे हैं साइड में जो बुर्ज दिख रहा है, ये लाखा बुर्ज है, इसी के ऊपर वो तोप रखी हुई है। तो आपको बताते हैं फिर आगे उसके बारे में। दोस्तों, ये जगह डीग भरतपुर के अंदर ही उपस्थित है और हम जो डीग फोर्ट है उसमें एंट्री कर चुके हैं। इसी में जो बुर्ज है उसी पे वो तोप रखी है। आपको फोर्ट भी बताएंगे और तोप भी बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पार्किंग है दोस्तों, ये यहाँ से अपन जाते हैं तो राइट साइड में वो जगह पड़ती है, एक तोप और है उसके लिए सामने से रास्ता जाता है, वो भी बताएंगे आपको। ये दोस्तों ऊपर चढ़ने का रास्ता है जो घुमावदार है पूरा, जिस बुर्ज का जो रास्ता है इसमें झरोके बने हुए हैं, उनमें से अलग अलग वो जो दृश्य दिखता है बहुत अच्छा दिखता है। और दोस्तों हम ये आ चुके हैं तोप के पास में। ये है दोस्तों लाखों में एक लाखा तोप। ये जो आप देख रहे हैं साइड में नहर है जो एक तरह से किले को सिक्योर करने के काम में ली जाती थी, और ये पूरा शहर जो है डीग शहर है। कितना अच्छा दृश्य है यहाँ से आप देख सकते हैं। इधर जो ये फोर्ट का मेन गेट है जहाँ से अभी अपन आए थे, और जो इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है दोस्तों, ये मिट्टी और चूने से बनी हुई थी और इसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था, जिससे क्या है कि तोप के गोले वगैरह वो अंदर नहीं धंसे। सामने भी एक तोप रखी है और इसके चारों कोनों पे दोस्तों तोप है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। 1,00,000 किलो वजन होने के कारण इसका नाम लाखा तोप पड़ा। और महाराजा जवाहर सिंह जी द्वारा जब दिल्ली पे आक्रमण किया गया तो यहाँ पर जो महिलाएं थी, कुछ महिलाओं के गर्भ गिर गए थे और पशु पक्षी बहरे हो गए थे, इसलिए फिर यहाँ पर जो राजा थे उन्होंने हमेशा के लिए इसे बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में इस तोप का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये हैं डीग के महल। इनका ब्लॉग भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। इस जो तोप की जो मारक क्षमता है लगभग 200 किलोमीटर है। ये दोस्तों चारों कोनों पे तोप रखी हुई है। लगभग यहाँ पे 5-6 तोप है, जिनमें सबसे बड़ी तोप यही है जो लाखा तोप है, और ये है डीग फोर्ट। तो सुंदरता आप देख ही रहे, सामने है डीग फोर्ट और लेफ्ट में है इसके मिट्टी का टीला। तोप के गोलों से जो फोर्ट की सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, इसलिए इन टीलों को बनाया जाता था। अभी हम जा रहे हैं दूसरी तोप की ओर, और ये महल है दोस्तों जो अभी जर्जर अवस्था में, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अभी बंद कर रखा है। ये तोप भी दोस्तों एक लाखा तोप के बराबर ही मानिए, इसे लगभग उसी के बराबर ही है। देख सकते हैं आप इसकी भी बनावट उसके जैसी है सेम। निकल जा।
यहाँ से दोस्तों इन बुर्ज पे से जो डीग शहर का जो दृश्य दिखता है बहुत अच्छा दिखता है, और यहाँ पे कई सारे महल हैं जो बहुत फेमस हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, ये हमारा लास्ट सीन था यहाँ का, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही प्यार देते रहें अपने भाई को। धन्यवाद। तो ये दोस्तों महल हैं और सागर हैं कई सारे, आएँ जरूर आप देखें।